Hi everyone, and क्या हाल है आप सबका? So, आपको शायद याद होगा आज से 2 करोड़ साल पहले मैंने लीनिया के रियर टायर्स यहाँ पे नियर बाई मैकेनिक पे चेकआउट करवाए थे. So, कोई प्रॉब्लम नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी कुछ दिनों के अंदर इनकी हवा निकल जाती है यार. मैं बड़ा दुखी हूँ, अभी भी मैंने हवा भरी है. एंड जो मेरा पंप है ये वाला, क्या कौन से ब्रांड का ये वाला याद नहीं आ रहा, यहाँ लिख दूंगा. सो इसके बस की नहीं है पूरा टायर लीनिया का हवा भरने के लिए. जीरो से स्टार्ट कर रहा, तो मैक्सिमम 23-24 तक जाएगा, उसके बाद ओवरहीट हो जाएगा. सो ये एक बड़ी दिक्कत है. एंड ये अपने इंटरनल टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये मैं एक्चुअली एक दिन लेके गया था स्पेशली, सारा दिन लगा के और भी कुछ काम थे नैनों में, तो सोचा था ये लगवा लूंगा. आई थिंक ये तब की बात है जब मैंने टायर्स लिए थे. सो उस दिन क्या हुआ, पता चला कि ये वाले जो सेंसर्स हैं ना, ये जो वाल्व होता है इनका, वो नैनो के व्हील्स में घुसेगा ही नहीं क्योंकि वो मोटा है. तो लीनिया में डाल देते हैं, आज ये भी एक काम हो जाएगा. मैं इसके कंटेंट्स आपको दिखा देता हूँ. एंड टायर्स का मेन है यार, मुझे एक बार वो सॉर्ट आउट हो जाए किसी तरीके, तब कहानी समझ में आएगी. कहानी नहीं समझ में आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है. अब भैया ये बताएंगे, सिटी कार शॉप के भैया. चलो चलते हैं, फिर कंटेंट्स दिखाता हूँ, फिर चलते हैं. ठीक है, तो इसे ओपन करते हैं. थोड़ा सा डस्टी हो गया क्योंकि रखा हुआ था, डस्टी होना नहीं चाहिए था. ये इसका मैनुअल एंड कुछ और इन्फॉर्मेशन, देन ये एंड फिर ये. यहाँ पे ये है डिस्प्ले, ये है चार्जिंग केबल इन केस यू नीड इट, क्योंकि मैं इसे ऊपर ही लगाने वाला हूँ, यहाँ पे बहुत सनलाइट आती है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. देन यहाँ पे इसके कुछ स्क्रूज वगैरह देखने को मिलते हैं. देन ये वाल्व्स हैं, ये सेंसर्स हैं, इन्हीं के साथ इसको कनेक्ट होना है. एंड डिस्प्ले इज एग्जैक्टली द सेम एज द, अभी मैंने थोड़ा सा चार्ज किया, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑन. सो अभी बंद कर देता हूँ इसे, फालतू में क्यों ऑन रखना. ठीक है, ये भी आपको दिखा देता हूँ. भाई ये सेंसर्स हैं. अब मुझे एक ही डाउट है इनके अंदर, ये वाल्व है काफ़ी मोटा है वाला. सो डाउट मेरा आपको बता दूँ मैं क्या है डाउट गाइस, मेरा ये है कि ये मेरे पास 1.5 साल से है, शायद उससे भी ज़्यादा से है. तो मुझे बस यही डर है इसकी बैटरी ना कम हो गई हो यार. बैटरी कम हो गई होगी तो दिक्कत है. कोई नहीं, अब एक टायर में लगा के देखते हैं, जब तक चलेगा चला लेंगे. एंड अभी लीनिया में पेट्रोल भी डालना है, तो चलो कंटिन्यू स्टार्ट किया जाए. पेट्रोल है नहीं इसके अंदर बिल्कुल भी. खवच. Alright guys, so मैं पहुंच चुका हूं सिटी कार शॉप में, जो कि है शालीमार बाग में यहां पर. एंड रियर टायर अभी आप नोटिस करो यहां पर ओपन होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि पहले वो लोग को मैंने जो बताया था कि इसमें 4-5 दिन के अंदर हवा निकल जाती है, तो पहले वो ही चेक कर रहे थे बिफोर वी इंस्टॉल द इंटरनल टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम. बट थोड़ी देर की चेकिंग के बावजूद भी इसके अंदर कुछ ज़्यादा कुछ मिला नहीं. इसकी साइड्स चेक कर लिए एंड वाल्व भी देख लिया, बट वाल्व तो इन एनी केस अब इंटरनल TPM इसका लगना है. सो फिर हमने सोचा कि इसको खोल ही लेते हैं एक बारी, ओपन करके दोबारा भी अगर टायर लगता है ना तो उससे भी फ़र्क पड़ जाता है. प्लस साथ में मेटल के जो इंटरनल टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के वाल्व हैं वो तो लगने ही लगने हैं. तो वो आपने देखा है अभी और देखोगे भी कि भैया यहाँ पर बना रहे हैं, उसको एक्चुअली जोड़ना पड़ता है वाल्व को सेंसर के साथ. एंड देन जो ऊपर की चीज़ है ना, मैं आपको भी दिखाऊंगा आगे कि वो टायर के वाल्व का जो होल होता है वहाँ पे कैसे लगाना है. एंड इसको जोड़ने के लिए इसी के अंदर सारे के सारे सिस्टम आए होते हैं. वाल्व लेना है, सेंसर लेना है, और बीच में कोई एलन बोल्ट दे रखा है छोटा सा, वो एलन की से इन दोनों को आपस में टाइट कर देना है. दैट्स इट, इतना सा ही काम है. एंड उसके बाद जो सारा काम होगा वो होएगा अलॉय व्हील के पास या फिर स्टील रिम के पास, जो भी आप यूज़ कर रहे हो. सो बस अब यहाँ पे भैया आप नोटिस कर रहे हो कि व्हील के साथ अलॉय उसके मतलब अपना जो सेंसर है उसको लगा रहे हैं. एंड इसको कोई चिपकाने चुपकोने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना टाइटली नट के साथ लगना है, जो किसके साथ सब कुछ आया हुआ है. आपको मतलब एडिशनली यहाँ पे कुछ नहीं लेना. एंड ये लगा हुआ कुछ इस तरह से लगेगा यहाँ पर आपको. एंड उसके बाद आप इसमें टायर रीफिट करोगे. एंड टायर रीफिटिंग के बाद इसके अंदर इसी के वाल्व के थ्रू जब एयर भरी जाएगी तो वो सेंसर को तभी एक्टिवेट करेगी, उससे पहले ये सेंसर एक्टिवेट नहीं हो. जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, एकदम बढ़िया से यहाँ पे रीडिंग आनी स्टार्ट हो गई है, दैट टू इन रियल टाइम. एंड ये बहुत जल्दी जल्दी अपडेट ले लेता है जैसे कि आप इसके अंदर हवा भर रहे हो. एंड आफ्टर दैट आई हैव आल्सो गॉट द व्हील बैलेंसिंग डन ऑफ दिस साइड, क्योंकि मैंने अभी शायद आपने सेंसर स्टार्टिंग में देखा था, दिस इज द FR सेंसर फ्रंट राइट का, लेकिन ये जो टायर था ये फ्रंट लेफ्ट का टायर था.
सो इस वाले टायर को अब उस साइड लगाएंगे एंड वहां के भी व्हील्स को निकाल के ये सेम टू सेम प्रोसीजर करेंगे। एंड अब मैं गाइस आपको जरा सेंसर के बारे में बताऊं, ये आप मेरे हाथ में जो देख रहे हो ये सेंसर, इसका इंटरनल सेंसर। सो इसके जो वाल्व वाली साइड है उसके ऊपर सबसे ऊपर तो कैप होती है अपनी, वाल्व का कैप, वो आप ओपन करोगे, देन जो उसके नीचे का हिस्सा है ना वो भी ओपनेबल है, दैट इज दी नट बेसिकली। सो इस नट को भी निकालना है, देन आपको इस सेंसर को वाल्व को अंदर व्हील के अंदर वाली साइड से डालना है, देन ऊपर से आपको ये नट लगा देना है, उसको टाइट कर देना, तो आपका काम एकदम सॉलिड हो जाएगा एंड उसके बाद आप अपना टायर का जो वाल्व का कैप है वो लगा सकते हो। एंड बस गाइस इसी के साथ अपने सारे के सारे टायर में इंटरनल टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के सेंसर्स लग चुके हैं एंड अब बस इनकी हवा को, एयर प्रेशर को जो है मैं वो बिल्कुल सेट कर दूंगा, हल्का सा मैं ज़्यादा रखूंगा जानबूझ के, बट उसके बाद अब टेस्ट आउट करना है कि ये कब तक मेरा काम बढ़िया करेगा। आज ये ढक्कन पहली बार काम आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं लगा नहीं सकता था जाके नहीं, क्योंकि सोलर से ही चार्ज करना है एंड वहाँ पे सोचा लगाने का। ऑलराइट गाइस, सो टाइम लगा लेकिन काम अपना, फिटिंग वाइटिंग सब बढ़िया हो गई है एंड पीछे का जो प्रॉब्लम था ना, रियल प्रॉब्लम, ये तो सेकेंडरी चीज़ थी वैसे, लेकिन अच्छा हुआ चलो एड्रेस एक ही टाइम पे ये भी इंस्टॉल हो गया। सो अब सीन भैया ये बता रहे थे कि दो तीन जगह से ही एयर लीक होने का चांस है, या तो टायर में कोई पंक्चर हो जो कि मिला नहीं, या फिर वाल्व खराब हो जो कि पहले तो नहीं मिला, और आज तो ये TPMS के ही वाल्व लग गए हैं तो वाल्व का चैप्टर क्लोज हो गया। देन होता है कि साइड से भी कई बार वेट पड़ता है तो हवा निकलती है। तो अभी क्या हुआ, रिम से टायर उतारा है हमने, ऑब्वियसली बात है वाल्व लगाने के लिए, तो अब वापस से चढ़ा है, होपफुली जो प्रॉब्लम थी अब प्रॉब्लम नहीं बचनी चाहिए। अगर वाल्व में से भी कोई स्लो लीक है तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था, क्योंकि अब तो नए वाल्व लग चुके हैं, बाकी TPMS इज डन इंस्टॉल्ड एंड अब थोड़ा सा ना मैं सोच रहा हूँ कि टेस्ट आउट करूँ कार को एंड देन ही इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड करूँगा, अदरवाइज अभी तो खाली इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर हुआ। सो थोड़ी सी गाड़ी चला लेते हैं एंड उसके बाद मैं आपको एक वर्डिक्ट देता हूँ कि हाँ कि ये TPMS कितना बढ़िया है, और तीन चार दिन बाद पता चलेगा पीछे के टायर्स में से हवा निकल रही है नहीं। मैंने इसकी रोटेशन करा दी है, अब मेरी कार में क्या है कि फ्रंट टायर्स है 205/55 R16, जो रियर टायर्स है वो है 205/65 R16। सो अब वो क्रॉस में तो रोटेट हो नहीं सकता, तो मैंने इसको साइड टू साइड करवा दी। सो बाकी तीन चार दिन बाद का अपडेट देता हूँ आपको। ऑलराइट, सो मैं पहुंच चुका हूँ घर पे। ऑलराइट, सो अब ये जो आइटम है, इसका जो सोलर पैनल है इसके ऊपर से प्लास्टिक हटा देता हूँ एंड इसको अभी फिलहाल यहाँ पे कहीं अभी माउंटिंग के लिए, तो इधर भी सही आ रहा है एकदम फिट परफेक्टली एंड यहाँ पे धूप भी अच्छी खासी आ जाएगी, ये भी अच्छा पोजीशन है एंड विजिबिलिटी भी अच्छी है, ये एकदम परफेक्ट जगह है इसके लिए। सो अभी इसको ऐसे ही एंड इसका प्लास्टिक उतार देता हूँ, डन। सो अब ये कितना है, हाफ बैटरी है इसके अंदर, सो सुबह जब सनलाइट आएगी तो ये ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा। यहाँ इसको ऐसे रख देते हैं, अभी डबल साइड टेप लाऊंगा और चिपका दूंगा ऐसे। डे टू की ये है नाइट एंड अभी तो मैं बोलूँगा कि स्टेबल वहीं पर ही है, क्योंकि जब टायर्स का यू नो डायरेक्टली हवा भरते हैं एंड ऑल दैट थोड़ा हीट हो जाता है, सो ये बिल्कुल कोल्ड प्रेशर है, कोल्ड और टेम्परेचर आप नोटिस कर ही रहे हो। देखते हैं एक दो दिन और उसके बाद, स्पेशली द रियर टायर्स का, रियर टायर्स वो है मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा कंसर्न फ्रंट से ज़्यादा। ऑलराइट फोक्स, तो ये है डे थ्री का रिजल्ट एंड अभी तक एकदम बढ़िया है यहाँ पर, सो होपफुली अगला वीक ऐसे ही रहे। सो अभी एक आध दिन और मैं देखता हूँ, देन आपको अपडेट देता हूँ प्रॉपरली। सो अभी तक का रिजल्ट मज़ेदार, अनदर डे एंड अनदर बढ़िया स्टोरी गाइस, स्टिल एट द सेम लेवल, सुपर डुपर टर्बो। अब आगे देखते हैं। Alrighty guys, so this is the result even after a week. आप डेट देखना चाहो तो मैं आपको डेट दिखा सकता हूँ, आज की डेट है यहाँ पर एंड आज ये शायद ये वीडियो भी अपलोड आपके सामने हो गया होगा एंड आपने इस वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था जब मैं इसे लगवाने जा रहा था तो यहाँ पे कुछ और डेट थी। अगर आपने देखा था मुझे बताना इन द कमेंट सेक्शन, नहीं तो वीडियो में आप पीछे जाके वो डेट देख सकते हो, किसी ना किसी सीन में दिख रही है इतना मुझे याद है। सो इवन आफ्टर अ वीक द टायर प्रेशर इज रिमेन्ड एट द एब्सोल्यूट सेम, एब्सोल्यूट सेम मतलब कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं आया है, विच इज नथिंग शॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाइस। एंड यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग, मैंने इसको अभी तक कहीं पर भी चिपकाया नहीं है, माउंट नहीं किया है, क्योंकि बस ऐसे ही मैं चाह रहा था कि ये बड़ी प्रॉपरली सॉर्ट आउट हो जाए सारी चीजें, जो कि हो चुकी है ऑलरेडी। तीन चार दिन का ही साइकिल मेरा पहले चल रहा था, लेकिन अभी तो ऑलमोस्ट शायद 7-8 डेज हो चुके हैं एंड
आप देख ही रहे हो, बिल्कुल भी कोई भी टस से मस नहीं हुआ. सो दैट इज द अमेजिंग थिंग. मतलब रियर टायर्स के अंदर अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं तो यहां तो उनके वाल्व के अंदर इशू था, या फिर एक बारी जो ओपन होके रीफिटिंग हुई है उससे भी फर्क पड़ा हो. सो कुछ भी हो सकता है. बाकी यू गाइस नो द टीपीएमएस आर द सुपर डुपर अमेजिंग सेफ्टी थिंग फॉर द कार, क्योंकि यार टायर्स ही आपका इकलौता कॉन्टैक्ट है रोड के साथ. यहाँ तो वो अगर ओवर इन्फ्लेट होंगे तब प्रॉब्लम, अंडर इन्फ्लेट होंगे तब प्रॉब्लम. सो ऑप्टिमम रखना हमेशा. यहाँ हल्का फुल्का वेरिएशन चलता है, जैसे कि सपोज करो मेरे रियर टायर्स में लिखा हुआ 33 तो आई एम यूजिंग 35-36 यहाँ पर. सो दैट इज द हल्का फुल्का वेरिएशन, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट हाँ, अगर आप कॉन्क्रीट सर्फेस पे सुपर गर्मी के टाइम हाई स्पीड्स पे जाना चाहते हो तो आप जितना रिकमेंडेड है उससे 1 या 2 पॉइंट कम ही रखो, 1-2 PSI कम ही रखो, ज्यादा अच्छा है, सेफ्टी रहती है. क्योंकि हीट से एयर एक्सपैंड होती है, जो आपने 30 PSI की हवा अगर एक टायर में भरी है तो वो 40+ 45 PSI आराम से हो जाएगी. रोलिंग रेजिस्टेंस से चीजें यू नो काफी डिटेल में जाती हैं. सो उसका आप लोगों ने ध्यान रखना है. सो इसको मैं सोच रहा हूँ अब माउंट करने के लिए, इस बड़ी जबरदस्त आइटम को मैं इसको सोच रहा हूँ यहाँ तो करूंगा यहाँ पे एग्जैक्टली इधर. ठीक है, अभी आपको मैं जान उसको थोड़ा सा अलग तरीके से दिखा रहा हूँ कि यहाँ फिर करूंगा मैं इसे इधर. अब इन दोनों पोजीशंस में से ये मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है. उसका रीजन है यहाँ पे डिस्प्ले ना मुझे पूरा दिख रहा है. राइट, यहाँ पे डिस्प्ले बिल्कुल पूरा है. अगर मैं इस साइड रखता हूँ ना तो यहाँ पे ये जो हाइट है हल्की सी उस वजह से हल्का सा कम होता है. मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ. वैसे इतना कोई खास फर्क नहीं है, ये भी मैं चाहूँ तो यूज कर सकता हूँ. सो देखता हूँ इसको तो मैं अभी आराम से लगाऊंगा क्योंकि डैशबोर्ड थोड़ा गंदा हुआ है. यहाँ पे देव सर ने पैर पूर मार दिए थे. सो इसे थोड़ा सा क्लीन आउट करके अच्छी तरीके से एकदम पूरा एक प्रॉपर इसका क्लीन करके थोड़े से शायद मैं पॉलिश लगाऊं या नहीं, आई डोंट नो. वैसे तो प्लास्टिक सही है, अभी भी फेडेड वेडेड वाले कोई सीन तो नहीं है. उसके बाद मैं इसको स्टिक कर दूंगा एंड वी विल कॉल इट अ डे. एंड इंटरनल सेंसर्स की मुझे ये बात अच्छी लग रही है कि एक तो वो मेटल के बने हुए हैं. नॉर्मल वाले जो होते हैं वो आधे रबर के होते हैं और ऊपर से डंडी सी होती है, बेकार, मतलब नॉट अ वेरी गुड क्वालिटी. सो दिस इज द फुल मेटल स्टफ एंड प्रॉपरली एकदम सॉर्टेड है. मैंने कोशिश की थी इसको नैनो में लगवाने के लिए लेकिन ये नैनो के व्हील्स में नहीं लगते क्योंकि इसको जगह ज्यादा चाहिए और नैनो के व्हील्स में इतनी जगह है नहीं. तो वहां पे हम एक्सटर्नल ही यूज करेंगे और वही कर रहे हैं एंड यहाँ पे इंटरनल. राइट, चलो गाइस फिर इस पर्टिकुलर वीडियो को फालतू में और स्ट्रेच आउट नहीं करते हैं. एंड बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था इसका. इस प्रोडक्ट का लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, इन केस यू वांट टू बाय इट यू कैन गो अहेड. मेरा थम्स अप है क्योंकि दिस इज एक्चुअली अ प्रीटी यूजफुल थिंग यार. सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, सी यू ऑल, आल्सो फन. एंड आपकी गाइस कोई भी क्वेश्चन क्वेरी रिगार्डिंग दिस और एनी अदर स्टफ होगा तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाकी मिलते हैं गाइस फिर जल्दी से. चाओ.